टमाटर में बहुत सारे रोग लगते हैं, जिनमें पछेती झुलसा, अगेती झुलसा, जीवाणु उकठा महत्वपूर्ण हैं। आज हम ऐसे ही एक और महत्वपूर्ण रोग के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम सेप्टोरिया लीफ स्पॉट यानी सेप्टोरिया पर्णचित्ती है, जो सेप्टोरिया लाइकोपर्सिकी नामक फफूस से होती है। आइए अब जानते हैं इस रोग के लक्षण कैसे होते हैं। इस रोग की शुरुआत में पत्तियों पर छोटे गोल जलीय धब्बे बनते हैं, जिनके किनारे गहरे भूरे रंग के होते हैं और केंद्र हल्के भूरे या धूसर रंग के होते हैं। इन धब्बों के केंद्र में बहुत सारे छोटे छोटे काले बिंदु दिखाई देते हैं, जो इस फफूंद की फूटिंग बॉडी पिकनिडिया होते हैं। इन पिकनिडिया में इस फफूंद के कोनिडिया बनते हैं। ये कोनिडिया इस फफूंद को संक्रमण फैलाने में मदद करते हैं। अगर आप पत्तियों की निचली सतह के धब्बों को देखेंगे तो इनके केंद्र पर भी आपको बहुत सारे काले पिकनिडिया दिखाई देंगे। अगर पत्तियों में इन धब्बों की संख्या बढ़ जाती है तो पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं और फिर भूरी हो जाती हैं और आखिर में मर जाती हैं। इस रोग के ज़्यादा बढ़ने पर पूरी पत्तियाँ और टहनियाँ मर जाती हैं। यह फफूंद ग्रसित पौधों के अवशेषों और खरपतवारों में जिंदा रहता है और यहीं से अपना संक्रमण शुरू करता है। वातावरण में लंबे समय तक उच्च आर्द्रता, तापमान 15 से 26 डिग्री सेल्सियस हो और पत्तियां गीली हों, तो ऐसी अवस्था में यह रोग खेत में बहुत ज़्यादा लगता है और बहुत तेज़ी से फैलता है। अगर टमाटर की फसल के समय बारिश ज़्यादा हो तो यह रोग और भी विनाशकारी हो जाता है। तनों पर भी शुरू में छोटे जलीय धब्बे बनते हैं, जो बाद में बड़े हो जाते हैं। इन धब्बों का केंद्र भी हल्के भूरे या धूसर रंग का होता है, जो गहरे भूरे रंग के किनारों से घिरा रहता है। इन धब्बों के केंद्र में भी बहुत सारे छोटे छोटे काले पिकनिडियां दिखाई देते हैं। तनों के धब्बे जब आपस में मिल जाते हैं तो तनों पर चीरे पड़ जाते हैं। खेत में सेप्टोरिया पर्णचित्ती के लक्षण दूर से देखने में अगेती झुलसा रोग की तरह ही दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको बहुत अंतर दिखाई देगा। सेप्टोरिया के धब्बों के केंद्र में छोटे छोटे काले बिंदु पिकनिडिया दिखाई देते हैं, जबकि अगेती झुलसा रोग के धब्बों में कॉन्सेंट्रिक रिंग यानी संकेंद्रीय छल्ले दिखाई देते हैं। इस प्रकार आप टमाटर के इन दोनों रोगों को आसानी से पहचान सकते हैं।
आइए अब जानते हैं कैसे इस रोग की रोकथाम की जाए। खेत में इस रोग के शुरू होते ही टमाटर की ग्रसित पत्तियों को पौधों से निकालकर नष्ट कर देना चाहिए। टमाटर के पौधों के आसपास हवा का संचार ठीक रखना चाहिए। खेत में टमाटर के पौधों को ज़्यादा घना नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा घनी फसल होने पर यह रोग तेजी से फैलता है। टमाटर के खेत के आसपास के खरपतवारों को हटा देना चाहिए। 3 से 4 वर्ष का फसल चक्र अपनाना चाहिए। टमाटर की अवरोधी किस्मों को लगाना चाहिए। टमाटर के पौधों में ओवरहेड मेथड से यानी ऊपर से पानी नहीं देना चाहिए, जैसे स्प्रिंकलर है या फव्वारे हैं, इनसे पानी नहीं देना चाहिए। जब टमाटर के पौधे खेत में छोटे हों, उसी समय मैंकुजेब या जिनेब का 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव कर देना चाहिए।